हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 थी उसको कवर कर लिया था। आज बच्चों हम इसी चैप्टर फिफ्थ की चैप्टर नेम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी जो एक्सरसाइज 5.2 बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं इसमें आने वाले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो वो क्या होता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। कहता है इफ देयर एग्जिस्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ए बी आपको पता है बच्चों यहाँ रियल है, देन जो कॉन्जुगेट होगा, देन कॉन्जुगेट इज डिफाइंड एज, देन कॉन्जुगेट इज डिफाइंड एज, तो कॉन्जुगेट को ऐसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इसको ऐसे लिखेंगे जेड के ऊपर ये बार लगा देंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड कॉन्जुगेट को, इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। इट मीन्स जो इसके अंदर आयोटा वाला जो मीन्स कहने का इमेजिनरी पार्ट है उसमें आयोटा को रिप्लेस कर दिया है हमने माइनस आयोटा से। इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में आई, आयोटा रिप्लेस बाय माइनस आयोटा, आयोटा को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, माइनस आयोटा से। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको एक क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर शो करके दिखाऊं, तो देखिए अगर आपके पास ये आपके पास बच्चों ए बी हैं और ये जो इसका एंगल बना रहा है ये थीटा, ये किसी पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। तो इसके साथ तो हम इमेजिनरी वैल्यू लेंगे बी और ए, हमें पता है बच्चों रियल वैल्यू होती है, तो ये रियल एक्सिस होगी और ये इमेजिनरी एक्सिस होगी, कौन सी, वाई। तो इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट हैं। अब हमने देखिए इमेजिनरी पार्ट को जो बी को यहाँ लिखा हुआ, देखिए आयोटा को हमने माइनस आयोटा से रिप्लेस करा, इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया, बी का साइन चेंज हो जाएगा, तो बी नेगेटिव हो गया ए पॉजिटिव। अब बी नेगेटिव मीन्स वाई की वैल्यू नेगेटिव और ए की वैल्यू पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट आ जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि इधर जो बी है वो नेगेटिव है इसके साथ और ए है वो पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों माइनस थीटा। तो ये जो पॉइंट हैं वो एक दूसरे की क्या हो गए बच्चों, इमेज हो गए। देखिए ये पॉइंट एक दूसरे की क्या हो गए, इमेज। अगर ये एक मिरर का काम करे, ये एक्सिस रियल एक्सिस, तो ए बी की जो इमेज होगी वो ए माइनस बी होगी। तो इस ये जो हमारे पास इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया था एफ जेड से, इस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर को, और इसको मैं क्यू जेड बार से, मीन्स इसके कॉन्जुगेट को मैंने क्यू से डिनोट कर दिया, उसको एफ से डिनोट कर दिया। तो अगर ज्योमेट्रिकली जो कॉन्जुगेट होता है बच्चों, अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली इसकी बात करूँ, ज्योमेट्रिकली द कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज द, जो कॉन्जुगेट है वो क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन है क्या, ये एक रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन और एक क्या, हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन और पॉइंट इमेज क्या है ये बच्चों, या फिर क्या है एक पॉइंट इमेज ऑफ, या तो एक रिफ्लेक्शन है, ये क्या है पॉइंट इमेज ऑफ जेड इन द रियल एक्सिस, इन द रियल एक्सिस, या तो एक रिफ्लेक्शन है या फिर क्या एक पॉइंट इमेज है ऑन कॉन्जुगेट इसका। तो ध्यान रखना, अभी मैंने बताया ये इमेज भी पॉइंट इमेज भी है और ये एक रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन है ये, एफ का रिफ्लेक्शन है क्यू, मीन्स जेड का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है जेड बार, जिसको हमने किससे डिनोट किया है कॉन्जुगेट, जेड कॉन्जुगेट से डिनोट करते हैं, तो ये इसका क्या है रिफ्लेक्शन है। तो ध्यान रखना कॉन्जुगेट कभी भी फाइंड करना हो आपको तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, इट मीन्स आयोटा को रिप्लेस कर दो किससे,
माइनस आयोटा से, तो आपके पास उसका क्या फाइंड हो जाएगा, कॉन्जुगेट फाइंड हो जाएगा। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्जुगेट की, उन प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। प्रॉपर्टीज़ में आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बच्चों, जेड कॉन्जुगेट। तो ये अगर जेड वन, जेड टू और जेड थ्री आर अगर कॉन्जुगेट के कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि जो जेड कॉन्जुगेट है वो क्या है, इक्वल है किसके बच्चों, जेड के। जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, जेड के, क्योंकि जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो इनका जो मॉडुलस फाइंड करें, जो आगे नेक्स्ट में बताऊंगा मैं, तब इनका मॉडुलस क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा। और जेड इज इक्वल टू जेड होगा अगर जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट है, अगर दोनों इक्वल हैं बच्चों तो ध्यान रखना यहाँ पे जेड इज क्या होगा, प्योरली रियल होगा आपका, प्योरली क्या होगा बच्चों, रियल होगा। तो जेड कॉन्जुगेट है और जेड इक्वल होंगे तो ये जेड क्या हो जाएगा आपका, प्योरली रियल हो जाएगा। उसके बाद अगर जेड जेड इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट आ रहा है, ये इसी की प्रॉपर्टीज़ हैं, जेड इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट आ रहा है तो जेड इज़ प्योरली इमेजिनरी है। जेड इज़ प्योरली क्या है बच्चों आपका, इमेजिनरी है। तो ध्यान रखना इन दोनों बातों को, अगर जेड कॉन्जुगेट जेड के इक्वल आ रहा है तो प्योरली रियल है, और जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट आ रहा है तो जेड क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। उसके बाद है बच्चों अगर आपको जेड प्लस जेड वन प्लस जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर और पूरे का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल होता है, जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट सेपरेटली इनको लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर माइनस है तो माइनस में भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, या माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वो इक्वल हो जाएंगे जेड वन माइनस जेड टू कॉन्जुगेट के। इसी टाइप से बच्चों अगर आपके पास जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई है तो उनको भी सेपरेटली मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, जेड वन मल्टीप्लाई जेड टू कॉन्जुगेट। इन जनरली अगर एन तक भी चलें तो इनकी सेपरेटली एन तक आप क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और डिवाइड में आ रहा है तो जेड वन जेड टू कम्प्लीट का कॉन्जुगेट है वो इक्वल होगा जेड वन कॉन्जुगेट डिवाइड बाई जेड टू कॉन्जुगेट, बट यहाँ ध्यान रखना है जेड टू इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो होगा। इस तरह ही आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या रखनी है बच्चों, ध्यान रखनी है। इसके बाद इसकी कुछ और प्रॉपर्टियाँ भी हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपके पास जेड रेज टू पावर एन का कॉन्जुगेट है वो इक्वल होता है जेड कॉन्जुगेट की पावर एन के। तो ध्यान रखना अगर जेड स्केयर का कॉन्जुगेट फाइंड करना हो तो वो इक्वल होता है जेड कॉन्जुगेट का स्केयर कर दो, एक ही बात है, क्यूब है तो क्यूब कर दो, मीन्स एन यहाँ पे कोई भी इंटीजर पावर है, इंटीग्रल पावर है। उसके बाद आपके पास पता ध्यान रखना है अगर जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट को ऐड करें तो टू इंटू रियल ऑफ जेड के इक्वल आएगा, या फिर आएगा टू इंटू रियल ऑफ जेड कॉन्जुगेट के। तो ध्यान रखना अगर जेड और जेड कॉन्जुगेट को हम ऐड करते हैं तो टू इंटू रियल ऑफ जेड के या फिर टू इंटू रियल ऑफ जेड कॉन्जुगेट के, मीन्स प्योरली रियल होंगे। उसके बाद अगर जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, जेड में से जेड कॉन्जुगेट को माइनस किया जाता है तो इक्वल आएगा टू इंटू टू आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मीन्स प्योरली इमेजिनरी आएगा। अगर जेड में जेड कॉन्जुगेट ऐड करें तो टू रियल इंटू जेड आएगा या टू रियल इंटू जेड कॉन्जुगेट आएगा, अगर माइनस किया जाए तो टू आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आएगा, इसको आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है जो ये जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट प्लस जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू इज इक्वल टू होता है टू इंटू रियल जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट, या फिर होता है टू इंटू रियल जेड वन कॉन्जुगेट इंटू जेड टू। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर भी ये इसके कुछ पार्ट हैं जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आता है बच्चों आज के इस एक्सरसाइज में है, उसके बाद इसमें आता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको इस चार्ज का ध्यान रखना है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें मॉडुलस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो वही बात है, लेट जेड कोई हमारे पास क्या है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू ए आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम डिफाइन करें, वी डिफाइन मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, अगर हम जेड जेड मॉडुलस को डिफाइन करें टू बी द रियल नंबर, ये क्या आएगा हमारे पास, एक
रियल नंबर आएगा, और क्या रियल नंबर आएगा बच्चों, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ध्यान रखना, रियल पार्ट का स्केयर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके उसका रूट लेंगे एंड इसको डिनोट करेंगे, एंड डिनोट इट बाय जेड मोड, मोड ऑफ जेड से हम इसको क्या करेंगे बच्चों, डिनोट करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक नोट रखना है, एक ध्यान देना है अपने को, नोट दैट कि जो जेड का कोंजू या जेड का मॉडुलस आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जीरो होता है फॉर ऑल। किसके लिए? अगर जेड कोई सी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके लिए जेड का जो कॉन्जुगेट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ी जेड मॉडुलस की, तो अगर जेड मॉडुलस आपका जीरो है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जेड इज इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी आपका क्या है, जीरो है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो जेड मॉडुलस भी क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है, जेड मॉडुलस इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल होते हैं, या फिर इक्वल होता है माइनस जेड का मॉडुलस, या फिर इक्वल होता है माइनस जेड का कॉन्जुगेट। ये चारों चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जेड का मॉडुलस, जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस, माइनस जेड का मॉडुलस और माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ये चारों क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, माइनस जेड जो जेड मॉडुलस का नेगेटिव लें तो वो लेस देन आता है बच्चों या इक्वल आता है, ऑलवेज रियल पार्ट ऑफ जेड योर लेस देन आता है जेड मॉडुलस के। तो अगर इसका नेगेटिव लें तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड से और ये लेस देन इक्वल टू आता है जेड मॉडुलस से। इसी तरह से अगर माइनस जेड ऑफ मॉडुलस का नेगेटिव लें तो वो लेस देन इक्वल टू आता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और ये भी इक्वल आता है किससे, जेड मॉडुलस से। इन दोनों को ध्यान रखना है आपने। उसके बाद जेड इंटू में जेड मॉडुलस, जेड इंटू में जेड कॉन्जुगेट ऑलवेज इक्वल टू जेड मॉडुलस का स्केयर होते हैं, ये प्योरली रियल होता है बच्चों, इस बात को भी ध्यान रखना, ये प्योरली क्या होता है आपका, रियल होता है। अगर जेड इंटू में जेड मॉडुलस करें तो वो जेड का क्या होता है, स्केयर आ जाता है और ये प्योरली क्या होता है आपका, रियल होता है। तो इन चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है बच्चों। और उसके बाद अगर जेड मॉडुलस की पावर एन है तो वो ऑलवेज इक्वल टू जेड रेज टू पावर एन का मॉडुलस ले रहे हैं तो ये भी क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। और इसकी प्रॉपर्टी बन सकती है बच्चों, जेड वन इंटू जेड टू दोनों का मॉडुलस है तो उनको सेपरेटली लिख लो, जेड वन मॉडुलस इंटू जेड टू मॉडुलस। इसी टाइप से बच्चों अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में भी सेम हो जाएगा, अगर जेड वन डिवाइड बाय जेड टू का मॉडुलस लें तो वो जेड वन मॉडुलस डिवाइड बाय हो जाएगा जेड टू मॉडुलस, और जेड टू इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ़ जेड टू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद अगर स्केयर लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें, देखिए अगर हम स्केयर लेते हैं इसका, जेड वन प्लस जेड टू का क्या ले लेते हैं बच्चों, मॉडुलस का स्केयर लें तो वो इक्वल होता है जेड वन स्केयर प्लस जेड टू स्केयर प्लस जेड वन मॉडुलस इंटू जेड टू प्लस जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट, सॉरी जेड वन कॉन्जुगेट इंटू जेड टू और जेड वन प्लस जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट। तो इस बात का ध्यान रखना है, या फिर ये इसके इक्वल होता है जेड वन स्केयर प्लस जेड टू स्केयर प्लस टू इंटू रियल पार्ट लेना है बच्चों किसका, जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट का। तो ध्यान रखना है इस बात को, जेड टू का कॉन्जुगेट, जेड वन का नहीं, जेड टू का कॉन्जुगेट और इंटू जेड वन। तो इस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर जेड वन को इसका स्केयर प्लस जेड टू का स्केयर प्लस जेड वन कॉन्जुगेट इंटू जेड टू प्लस जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट, या फिर ये आपको याद रखना है। अगर माइनस की बात आ जाए इसी में, अगर माइनस की बात करें, जेड वन माइनस जेड टू का स्केयर लें तो इक्वल होता है बच्चों जेड वन स्केयर प्लस जेड टू स्केयर माइनस जेड वन कॉन्जुगेट इंटू जेड टू और माइनस जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर ये इक्वल होता है बच्चों जेड वन स्केयर प्लस जेड टू स्केयर माइनस टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट, टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट के। तो इस बात को आपने, इस फॉर्मूले को भी क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है बच्चों। उसके बाद आपके पास इसमें और भी कुछ आपके ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपको, जिनको आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है इसके अंदर। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है इसकी, इस प्रॉपर्टी को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए जेड वन इंटू जेड टू का होल स्केयर प्लस कर दें जेड वन माइनस जेड टू का
मॉडुलस का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ऑलवेज होता है बच्चों 2 इंटू जेड वन मॉडुलस का स्क्वेयर प्लस जेड टू मॉडुलस का स्क्वेयर। तो ध्यान रखना ये अगर जेड वन प्लस जेड टू मॉडुलस का स्क्वेयर प्लस जेड वन माइनस जेड टू मॉडुलस का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू जेड वन मॉडुलस का स्क्वेयर प्लस जेड टू मॉडुलस का स्क्वेयर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसमें आपको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फाइंड करना हो तो रियल पार्ट का स्क्वेयर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर का रूट ले लेंगे बेटा, और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आता है बच्चों इसके अंदर आता है आपके पास आर्गुमेंट। अगर हमें फाइंड करना हो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें आर्गुमेंट फाइंड करना हो तो इसको भी ध्यान रखना होगा आपको। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द आर्गुमेंट ऑफ ए, द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज डिनोटेड एज, इसको कैसे डिनोट करेंगे बच्चों आर्गुमेंट को, डिनोटेड एज ए आर जी ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड ऐसे डिनोट करेंगे इसको, एंड इज डिफाइंड एज, और इसको डिफाइंड करेंगे एंड इज डिफाइंड एज ए आर जी ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, क्या होगा बच्चों आर्गुमेंट यहाँ पे थीटा होगा, और वो इक्वल होगा टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो ध्यान रखना है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी इज डिनोटेड एज आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड इज डिफाइंड एज आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या होगा हमारा थीटा होगा, वो किसके इक्वल होगा बच्चों टेन इनवर्स बी बाई ए के, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट और ये ए हो जाएगा यहाँ पे रियल पार्ट। तो ध्यान रखना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें जो आर्गुमेंट होता है, द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द, ये कॉमन सॉल्यूशन है बच्चों, इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ किसका कॉमन सॉल्यूशन है बच्चों ये साइन थीटा एंड कोस थीटा का, साइन थीटा एंड कोस थीटा का क्या एक कॉमन सॉल्यूशन है। तो आर्गुमेंट क्या है बच्चों एक कॉमन सॉल्यूशन है किसका, साइन थीटा एंड कोस थीटा का। सिंस यहाँ पे आपको पता है बच्चों साइन थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, सिंस साइन थीटा एंड कोस थीटा आर दी पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन मीन्स इनकी एक फिक्स वैल्यू के बाद इनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है बच्चों। आपको पता है कि साइन की जो फिक्स वैल्यू के बाद इनकी रिपीट होती रहती है वैल्यू, सॉरी बच्चों इनकी वैल्यू क्या होती रहती है रिपीट होती रहती है। साइन जीरो जीरो होता है, साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है, फिर साइन अगर 180 चेक किया जाए तो फिर जीरो होता है, और फिर साइन 270 चेक करेंगे तो वो आपके पास माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से इनकी जो वैल्यू है वो एक पीरियड के बाद क्या होती रहती है चेंज होती रहती है, तो हम इसके लिए इनको क्या बोलते हैं एक पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन है। सो जो आर्गुमेंट होगा, सो द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक, जो आर्गुमेंट होगा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट, जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होगा। इट मीन्स वो पीरियोडिक फंक्शन है तो साइन थीटा कोस थीटा के साथ आर्गुमेंट क्या होता रहेगा चेंज होता रहेगा, तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कभी भी यूनिक नहीं होगा। और अगर हम कहें कि इफ द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज थीटा, अगर आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बच्चों थीटा है तो हम कहेंगे इट इज ऑल्सो बी, तो वो ओनली थीटा नहीं होगा, वो क्या हो सकता है वो ये भी हो सकता है 2n पाई, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू के बाद यही वैल्यू वापस आ जाती है, तो 2n पाई प्लस थीटा होगा। यहाँ पे n क्या होगा इंटीजर होगा, n क्या है यहाँ पे एक इंटीजर है, तो आर्गुमेंट अगर किसी का थीटा है तो वो ये भी हो सकता है 2n पाई प्लस
थीटा भी हो सकता है, क्योंकि इस वैल्यू के बाद फिर वापस क्या आ जाएगा, वो सेम वैल्यू देगा। उसके बाद अगर कहता है कि इफ़ द, अगर आपका आर्गुमेंट, इफ़ द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ यूनिक, अगर मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ यूनिक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो वैल्यू होगी, जो यूनिक वैल्यू है, वो इट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। वो आपका क्या होगा बच्चों, इट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेंगे, उसका हम क्या बोल देंगे उसको, इसका कि क्या उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अगर वो यूनिक है तो वो जो वैल्यू है उसकी, वो क्या होगी, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, उसकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को जो अगर हम डिनोट करेंगे, तो जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड एज, इसको किस टाइप से डिनोट करेंगे बच्चों, इज डिनोटेड एज, उसको डिनोट किया जाएगा बच्चों AMP, जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से डिनोट किया जाएगा। और यहाँ पे जो AMP जेड होगा, वो उसके अगर हमने थीटा लिया तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। और ये जो यहाँ लाई करेगा, वेयर थीटा इज लाइज इन द इनइक्वलिटी, जो थीटा है यहाँ पे जो लाई करेगा, कौन सी इनइक्वलिटी के अंदर लाई करेगा, वो माइनस पाई टू प्लस पाई के बीच में लाई करेगा। इट मीन्स अगर इससे बाहर जाता है तो वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं रहेगा, फिर वो यूनिक नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं इसके कुछ नोट में आपने ध्यान रखना है कि मैं इसके पर आपको आप कुछ नोट लिखवा देता हूँ, नोट इम्पोर्टेंट है इसके, कि द आर्गुमेंट होता है बच्चों, द आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो, अगर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जीरो है, जीरो इज नॉट डिफाइंड, जीरो डिफाइंड नहीं होता। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो उसका जो आर्गुमेंट है वो डिफाइंड नहीं होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बच्चों, जीरो है, तो उसका आर्गुमेंट है वो डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो प्लस जीरो आयोटा, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका जो आर्गुमेंट होगा वो डिफाइंड नहीं होगा बच्चों। उसके बाद सेकेंड जो नोट है इसका, अगर किसी भी द डिफरेंस ऑफ एनी टू आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 2n पाई के। ऊपर मैंने लिखा था बच्चों, द डिफरेंस ऑफ एनी टू आर्गुमेंट, कोई भी टू आर्गुमेंट के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा हमें ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 2n पाई, तो हमेशा जो डिफरेंस मिलेगा वो 2n पाई, क्योंकि इस वैल्यू के बाद है, अगर यहाँ पे आप 1 पुट करते हो तो 2 पाई, 0 पुट करते हो 0, और अगर 2 पुट करते हो 4 पाई, इनके बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होनी स्टार्ट होती है, सेम वैल्यू आनी थी। तो आर्गुमेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा आपका, 2n पाई होगा। और उसके बाद इफ अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली क्या है बच्चों, रियल है, प्योरली पॉजिटिव, या फिर हम जिसको बोलें रियल है, तो आपको ध्यान रखना है, देन जो आपका अपना जो आर्गुमेंट होगा वो जीरो आएगा। आर्गुमेंट जीरो, थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और अगर आपके पास, अगर हमारे पास क्या है, जेड इज प्योरली नेगेटिव रियल है, अगर ये पॉजिटिव रियल है तो जीरो, और अगर ये हमारे पास प्योरली क्या है, नेगेटिव रियल है, देन आपको ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो क्या आ जाएगा हमारा, जो थीटा आएगा वो पाई के इक्वल आएगा। तो ध्यान रखना दोनों कंडीशन में, अगर ये प्योरली पॉजिटिव रियल है, पॉजिटिव रियल मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, पॉजिटिव रियल समझते हो ना जो, कि अगर जेड आपके पास ये है 2 ओनली 2 है, बस यही है आपके पास, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, ओनली 0 है, तो बी 0 हो गया, 0/2 मीन्स अगर टेन इनवर्स में लिखूँ तो 0/2 0 ही आएगा। और अगर ये आपके पास क्या है, नेगेटिव माइनस टू आ जाए, नेगेटिव रियल आ जाए, -2 + 0 आयोटा, तो वहाँ पे ये -2 हो गया। तो इस तरह से आपके पास अगर नेगेटिव रियल है तो ये आर्गुमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई, क्योंकि -2 वैल्यू है तो 0 पे तो होती नहीं है, तो हमें नेगेटिव साइड में जाना पड़ेगा, तो -2 वैल्यू लाने के लिए तो हमें इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हमारे पास इफ जेड इज, जेड हमारे पास क्या है बच्चों, प्योरली पॉजिटिव
इमेजिनरी है, प्योरली पॉजिटिव है और क्या है बच्चों वो इमेजिनरी है। देन जो हमारे पास आर्गूमेंट आएगा, इन चीज़ों को बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों जो मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी कि तो जेड हमारे पास थीटा क्या आएगा, पाई बाई टू आएगा, क्योंकि आप जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देखोगे तो पता चल जाएगा कि इसका आर्गूमेंट क्या आने वाला है। और इफ़ जेड इज़, अगर हमारे पास प्योरली नेगेटिव है या प्योरली इमेजिनरी है लेकिन क्या है नेगेटिव है, तो देन हम क्या कहेंगे कि जो आर्गूमेंट आएगा वो क्या आएगा, जेड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको स्पेशली क्या रखना है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जेड प्योरली पॉजिटिव रियल है तो आर्गूमेंट जीरो, प्योरली नेगेटिव रियल है तो आर्गूमेंट पाई, अगर प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी है तो आर्गूमेंट पाई बाई टू, और अगर प्योरली आपके पास क्या बचो नेगेटिव इमेजिनरी है तो आर्गूमेंट क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे इसके बच्चों, सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास आज का जो टॉपिक था हमारा बच्चों, मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया मॉडल्स के बारे में, आर्गूमेंट के बारे में और कॉन्जुगेट के बारे में। तो इसके बेस्ड पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।